जिनका खून जो है अनुसूचित जाति के लोगों को डराने का काम करता है, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे, ये तो बेईमानी है। ये सिर्फ हिंदू जो है ना राजनीतिक वोट बैंक के लिए है, मेरा ये मानना है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए मोहन भागवत जी जो है इस तरीके के जो है गुफे छोड़ देते हैं। जब उसके साथ जातिवाद होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, तो हिंदू होगा कैसे वो? जब तक जातिवाद नहीं खत्म होता तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेईमानी होगी। हम जो है मनुवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था से चलाएंगे, वो अपने दिमाग से निकाल दें। ये राष्ट्र जो चलेगा संविधान से चलेगा। क्या कहेंगे सर, आजकल हिंदू राष्ट्र की बड़ी मांग चल रही है सर, तमाम लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। लेकिन लगातार लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ऊपर से धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का नाम तो सुना ही होगा आपने जी। ये बाबा का नाम जो है ना, ये बाबा है कैसा, मतलब समझ नहीं आता इस बाबा का। इसका भाई जो है, आपने देखा होगा पिछली बार अनुसूचित जाति के लोगों के घर में जाकर रिवॉल्वर लेकर घुसता है, 3 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जाती है ना। तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता, जिनका खून जो है अनुसूचित जाति के लोगों को डराने का काम करता है, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करे, ये तो बेईमानी है। हिंदू राष्ट्र सब एक हो जाएगा सर, कैसे होंगे बताएं ना। हिंदू राष्ट्र में आप देखो, अनुसूचित जाति के लोग जो है हमारे, अनुसूचित जाति के लोग हुए क्यों अनुसूचित जाति? पहली बात, सवाल ये है, हमारा जो समाज है अनुसूचित जाति का, वो पहली बात तो हिंदू, मैं नहीं मानता उसको कि वो हिंदू है। अगर वो हिंदू समाज से होता वो परिवार, जो हिंदू होते वो हिंदू, अगर हम हिंदू होते तो ये जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव ये कैसा है, समझ रहे हैं आप इसको? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो कोई गांव ऐसा, मतलब जो दूर दराज के गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली का मीटर लगाने के लिए एक बिजली का डिपार्टमेंट में, पानी के डिपार्टमेंट में आदमी है, बिजली का बिल देने घर जाता है तो उस आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी हो जाती है। ऐसे मामले हिमाचल प्रदेश में कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग जो पब्लिक सर्विस में लगे होते हैं, वो उन लोगों का जो है गांव के अंदर जो जातिवादी लोग हैं उनको गांव के अंदर नहीं मानते। हिंदू हिंदू से जातिवाद करता है, मैं ये सिर्फ हिंदू जो है ना राजनीतिक वोट बैंक के लिए है, मेरा ये मानना है। ये सिर्फ दिखावा है लेकिन हिंदू नहीं है। लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं ना, अब जातियाँ खत्म होंगी, जाति हमने नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई है, क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी जो है ना? अब 2024 का चुनाव देखकर इनको ऐसा लगता है, इनको महसूस होता है कि जो जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में इस देश के अंदर अनुसूचित जाति का समाज जो है इकट्ठा हो रहा है, जागरूक हो रहा है, वो जाग रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए ये लोग देख रहे हैं कि जो एक वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, वो हमसे छूट रहा है, टूट रहा है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए मोहन भागवत जी जो है इस तरीके के जो है गुफे छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई से वो अच्छी तरह से वाकिफ है कि अनुसूचित जाति का आदमी जो है हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होता तो उसके साथ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं होता। तो इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर। हिंदू राष्ट्र, मैं ये फिर वही बात कर रहा हूँ आपको, हिंदू होगा कैसे? जब उसके साथ जातिवाद होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, तो हिंदू होगा कैसे? वो हिंदू तब होगा जब वो सबको एक साथ एक समान रोटी बेटी का रिश्ता होगा और उनको आपस में बिठाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाली बात होगी तब होगा। लेकिन जो ये मानसिकता है, मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं है, हमारे हिमाचल प्रदेश की बात है, तो ये जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अब तो कह रहे हैं ना जातिवाद खत्म हो रहा है सर, कहाँ खत्म हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ कि प्रदेश के राष्ट्र में सब जातियाँ खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल सनातनी हो जाएंगे। अरे ये बिल्कुल झूठ है, आप जमीन पे जाके देखिए, आप गांव के मंदिरों के अंदर जाके देखिए, आप जो दूसरे लोग हैं, जो मनु रूढ़ीवादी लोग हैं, उनके घरों में जाके देखिए, उन लोगों के साथ जातिवाद, छुआछूत जो है आज भी बदसूर जारी है। जब तक जातिवाद नहीं खत्म होता तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेईमानी होगी। तो लोग तो अब शूद्र शूद्र चिल्ला रहे, शूद्र शूद्र करने से सत्ता मिल जाएगी आप लोगों को? शूद्र, एक बात समझें आप, शूद्र और
जब तक शूद्र का मतलब यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, कुचला हुआ व्यक्ति है, जब तक उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसकी लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, और भाई चंद्रशेखर और भाई विनय रतन सिंह के नेतृत्व में लड़ रही है, और ये लड़ाई जब तक समानता की लड़ाई जो होगी, समान आदमी नहीं होगा, तब तक ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेईमानी होगी। क्या लगा, अम्बेडकर वाला राष्ट्र रहना चाहिए, संविधानिक राष्ट्र रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र? संविधानिक, संविधान का ये देश जो है संविधान से चलता है, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये राष्ट्र जो है मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। जो इनके दिमाग में कीड़े हैं ना कि भाई इस राष्ट्र को हम जो है मनुवादी और रूढ़िवादी व्यवस्था से चलाएंगे, वो अपने दिमाग से निकाल दें। ये राष्ट्र जो चलेगा संविधान से चलेगा, संविधान से बाहर ये राष्ट्र नहीं चलेगा। क्या कहेंगे, लगातार इस तरीके के प्रोग्राम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो कारवां जो है वो लुटता जा रहा है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये कारवां जो है, जो भाई चंद्रशेखर रावण, भाई विनय रतन सिंह के नेतृत्व में ये जो कारवां है, ये अब संभलने की कगार पर है। लुटता वहाँ जा रहा है जहाँ पर जो ये राजनीतिक पार्टी में हमारे अनुसूचित जाति के तरह तरह के संगठन बने हैं, और जब चुनाव आते हैं तो उनके साथ जो है वो लोग उनको जो है अपना समर्पित कर देते हैं, अपना समर्पण उनके आगे करते हैं। तो क्या पार्टी बनाना सोल्यूशन है समाज का? बिल्कुल, बिना राजनीति के बिना जनता के वोट के, संविधान के जो संविधानिक मंदिर है, राज्यसभा है, अपना संसद है, विधानसभा है, जब तक हम लोग पार्टियां तो इतनी सारी हैं, वामन मेश्राम की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, चंद्रशेखर जी की पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो ये तो वोट एक दूसरे का बांट रहे हैं ना सर? ये लोग कहाँ, मेरे को बताएं आप, वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोगों को कभी आपने अपने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लड़ते हुए देखा? सड़कों पर डंडे खाते हुए देखा, जेल जाते हुए देखा? नहीं देखा होगा। जितनी रफ्तार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस देश में लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहला वो संगठन भीम आर्मी है जो अनुसूचित जाति के अधिकारों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रहा है, और आने वाले समय में जो इसका जो आजाद समाज पार्टी है, वो आने वाले समय में देश में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उभर कर सामने आएगी। लेकिन लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं सर कि दलित का वोट आपस में ही बढ़ जाएगा, तो मेन जो पार्टियां हैं वो जीत जाएंगी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, जो ये कहते हैं, वो आजाद समाज पार्टी के साथ आ जाएं, समर्पित अपना समर्पण दें उनको, करें उनके साथ मिलकर काम करें। क्यों आप लोग बटे हुए हैं? आइए आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस देश के जो लुटता कारबा उनको दिखाई दे रहा है उसको बचाते हैं। और तमाम देश के तमाम लोगों को क्या कहना चाहिए? हमारा देश के तमाम जो हमारा जो ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर सभी जो मनुवादी रूढ़िवादी नहीं है, जो अनुसूचित जाति के अलावा अलग समाज है, सामान्य वर्ग है, उसमें भी कई बुद्धिजीवी है जो अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उनके अधिकारों को लड़ने का काम करते हैं वो वर्ग जो है। और उन सभी से मैं, इस देश के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनसे यही मैं मांग, उनसे यही कामना करता हूँ कि इस अनुसूचित जाति वर्ग को जो सदियों से प्रताड़ित है, पिछड़ा हुआ है, इसको जो है बराबरी के अधिकार की, समानता के अधिकार की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए।